यहाँ लगा लूँ या आप में पकड़ ले रहा हूँ उसको? लो रहा है, तुम ले रहे हो, मैं खुद लगा लूँगा। ना ना मैं खुद लगा लूँगा, मैं खुद लगाऊंगा। हाँ पढ़ाने दो, सब पढ़ाने दो। क्वेश्चन तो इसी बुक से कराते होंगे, तो उन्हीं की बुक है भाई। हेडिंग लगा लीजिए यूनिट थर्ड, हेडिंग लगा लीजिए यूनिट थर्ड मैट्रिसेस। देखिए आसान चैप्टर है बहुत, हेडिंग लगा लीजिए यूनिट थर्ड मैट्रिसेस। यूनिट सेकंड जो है वो बाद में करवाएंगे जब आपके कॉलेज में स्टार्ट करा देंगे उसके बाद, ठीक है? इसमें हेडिंग लगाइए एक सब हेडिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये वर्ड जो है वो मैट्रिसेस है, आपको हेडिंग लगानी है मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है, सब हेडिंग लगाइए मैट्रिक्स। हेडिंग लगाइए मैट्रिक्स, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें आप, ठीक है? लिखिए इसमें व्हेन वी अरेंज, व्हेन वी अरेंज, व्हेन वी अरेंज नंबर्स, व्हेन वी अरेंज नंबर्स, व्हेन वी अरेंज नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, व्हेन वी अरेंज नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, इन रोज एंड कॉलम्स कॉमा कॉमा एंड मेक अ टेबुलर फॉर्म, एंड मेक अ टेबुलर फॉर्म। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। यार मैं भूल गया क्या बोला था, व्हेन वी अरेंज नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स एंड मेक अ टेबुलर फॉर्म देन दे आर नोन एज मैट्रिक्स, नॉट मैट्रिसेस, दे आर नोन एज मैट्रिक्स। क्या हुआ सर, क्या छूट गया? दोबारा बोलूं? एक लाइन छोड़कर एक लाइन और लिखिए, लिखिए टू और मोर मैट्रिसेस, टू और मोर मैट्रिक्स, टू और मोर मैट्रिक्स, टू और मोर मैट्रिक्स टुगेदर नोन एज, टुगेदर नोन एज, टुगेदर नोन एज मैट्रिसेस, टुगेदर नोन एज मैट्रिसेस, टू और मोर मैट्रिक्स टुगेदर नोन एज मैट्रिसेस। अब बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो जो वर्ड है उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। यहां दो वर्ड है, मैट्रिक्स का अलग मतलब होता है और मैट्रिसेस का अलग, ठीक है? चैप्टर का जो आपका नाम है वो मैट्रिसेस है, लेकिन हमें उससे स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक्स वर्ड समझना है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स सिर्फ इतना है कि आपने दो बातें सुनी है, रो और कॉलम, ठीक है? रो और कॉलम क्या होता है, अगर मैं नंबर को इस तरीके से लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3, जैसे आप अपनी कॉपी के पेज जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, समझ रहे हो ना? इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको क्या बोलोगे? रो। और इन्हीं नंबर्स को अगर आप कॉलम फॉर्म में रखोगे ऐसे 1 2 3, इस नंबर को मैं ऐसा लिख देता हूं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को आप बोलोगे कॉलम है और इस रिप्रेजेंटेशन को आप बोलोगे क्या? रो। क्लियर है बात? दो चीजें होती है, अगर आप नंबर्स को हॉरिजेंटल करके लिख रहे हो तो वो हो जाएगा रो,
अगर आप वर्टिकल करके लिख रहे हो तो वो हो जाएगा कॉलम। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर आप नंबर्स को हॉरिजेंटली भी प्लेस कर रहे हो और वर्टिकली भी रख रहे हो, यानी आपको रो भी दिखाई दे रही है और आपको कॉलम भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नंबर्स लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो अरेंजमेंट लिखा गया है ये एक मैट्रिक्स है जहां पर आपको रो भी दिख जाए और जहां पर आपको कॉलम भी दिख जाए। जैसे यहां पर रो कितनी है, दिस इज रो 1, इसको बोलते हैं आर 1, दिस इज रो 2, इसको बोलते हैं आर 2, कॉपी पेन छोड़ दिएगा बिल्कुल अभी, इसको बोलते हैं रो 3, डेट इज आर 3, ये हमारा पहला कॉलम है, इसको बोलोगे C1, कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2 है, इसको बोलोगे C2, कॉलम 2, और ये आपका कॉलम 3 है, इसको क्या बोलोगे C3, ठीक है। जब भी रोज और कॉलम्स आप एक साथ टेबुलर फॉर्म में रख रहे हो तो इस तरीके के अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, ये पूरा अरेंजमेंट क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स है। अब यहां पर एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरीके से होती है, लास्ट में आप दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, अब ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उसको कोई नाम दिया गया है, अगर क्वेश्चन में उसको कोई नाम दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से उसे नाम दोगे। जैसे इसको मैं बोल रहा हूं ये ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू दिस, क्लियर है बात, ये तो होता है मैट्रिक्स वर्ड का मतलब। अगर मैं दो मैट्रिक्स को या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को एक साथ लिख रहा हूं तो उस वर्ड को आप बोलोगे वो मैट्रिसेस है, ठीक है। यानी एक अगर मैट्रिक्स लिखी हुई है तो वो तो सिर्फ मैट्रिक्स है, एक अगर दो या दो से ज्यादा हुई तो वो क्या बन जाता है, मैट्रिसेस बन जाती है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन में हमें नाम दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अपने तरफ से उसका नाम रख देंगे ए या फिर बी या फिर सी, कोई भी वेरिएबल आप उसे नाम दे सकते हो, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखी तो आपको यहां पर एक तो ये देखना आना चाहिए कि कितनी रो है, तो रो कितनी है भाई और कॉलम कितने, जब आप रो और कॉलम देख लोगे तो आपको इस बात का आंसर देना चाहिए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको लिखते कैसे, यहां पर लिख देते हैं 3x3, इसको पढ़ा क्या जाता है 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 आपको क्या बता रहा है, तीन रो है और तीन कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स और देता हूं, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर रो कितनी है, दो, और कॉलम कितने हैं, तीन, तो इसको क्या बोलोगे, ये 2x3 की मैट्रिक्स है। अगर आपने 3x2 बोल दिया तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है रो कितनी है, उसके बाद आपको बताना है कॉलम कितने हैं। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो ऐसी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स आपने लिखी और लास्ट में लिखा जाएगा m into n, जहां पर m को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, m को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रोज और n को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर आपने इसको रिवर्स करके लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके सामने है तो आपको पहली बात क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर देखने के लिए हम क्या देखते हैं, कितनी रो है और कितने कॉलम है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को और एक हेडिंग डालिएगा, अभी जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है उसके आगे इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, फिर एक हेडिंग डालिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत आसान सा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का खेल है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके लिए सिर्फ आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, बस इतना ही है। हाँ ये आपको ऑलरेडी आता है, बस इस फॉर्म में हमें देखना है कैसे प्लेस करेंगे। इसके बाद सब हेडिंग लगाइएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, हेडिंग लगा लिया, हेडिंग लगा लिया ना, लिखिए एक लाइन लिखिए फिर बताता हूं। लिखिए लेट अस अज्यूम अ मैट्रिक्स ए, अ मैट्रिक्स ए कैपिटल ए बोल रहा हूं, लेट अस अज्यूम अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3,
Let us assume a matrix A of order 3 by 3. Let us assume a matrix A of order 3 by 3. देखिए, A हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने कितना लिया है? 3 by 3 लिया है. ठीक है, अब इसको समझने से पहले ये देख लो, मैट्रिक्स के अंदर जो भी आप लिखते हो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट है. जैसे यहां पर 5 क्या है? इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है. ये 2 क्या है? इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एलिमेंट है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए आई जे. ठीक है, जहां पर ए क्या है वो एलिमेंट होगा. अभी नोट नहीं करना आपको, आई का मतलब है कि आप रो के बारे में बता रहे हो, जे का मतलब है आप कॉलम के बारे में बता रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1, तो भाई 1 कैसा एलिमेंट है? ये जो 1 है वो पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो इस 1 को यहां कैसे लिखूंगा मैं? ए 1 1. फिर जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसको लिखा जाएगा ए 1 2. 1 2 आपको क्या बता रहा है? 1 का मतलब पहली रो और 2 का मतलब दूसरे कॉलम में. ठीक है, इसको क्या लिखोगे? ए 1 3. बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जैसे यहां हो गए तो आप सेकंड रो पे आ गए, तो इसको लिखोगे ए 2 1, इसको लिखोगे ए 2 2, इसको लिखोगे ए 2 3, इसको लिखोगे ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3. अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, जैसे मैंने इसको उठा लिया ए 2 3 को, और मैंने आपसे पूछा ए 2 3 क्या है, तो आपको ए 2 3 का मतलब पता होना चाहिए कि ए का मतलब सर कोई एलिमेंट है, 2 लिखा हुआ है मतलब वो दूसरी रो में आ रहा है, और बाद में 3 लिखा हुआ है वो तीसरे कॉलम में आ रहा है. बात क्लियर है? वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो एक मैट्रिक्स देगा और कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो उसमें 10 लिखा हुआ है, तो वो आपसे कहेगा ये 10 किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है, इसका ए आई जे वाला रिप्रेजेंटेशन बताओ. तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए, भाई इस ए का मतलब क्या होता है? एलिमेंट. 2 का मतलब दूसरी रो और 1 का मतलब पहला कॉलम. ठीक है, हमेशा पहले रो लिखी जाएगी और बाद में कॉलम लिखा जाएगा. ये 3x3 मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब हेडिंग के नीचे इसको नोट कर लीजिए और ये भी लिख लीजिएगा. पूरा चैप्टर रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन आती है तो फिर सब आसान है. हो गया. नेक्स्ट हेडिंग डालिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, equality of matrices. यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा. equality of matrices बोलूं? जी matrices है, दो matrices होंगी तभी आप equal बोल पाओगे. equal है ना? हो गया. बोलूं? लिखे लिखे two matrix A and B. टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर. टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर इफ दे फॉलो, इफ दे फॉलो, if they follow two conditions, if they follow two conditions, if they follow two conditions. Condition number one likhe, order of matrix A, order of matrix A is equal to
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. सेकेंड कंडीशन लिखिए जी. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. सेकेंड बोलू, सेकेंड कंडीशन लिखिए ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे. ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे. अभी समझाऊंगा, देख लो. ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे. वॉट इज ए आई जे? ए आई जे मतलब ए वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट, और बी आई जे मतलब बी वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन देखो कैसा आता है. क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि एक मैट्रिक्स है ए, दिस इज 4 6 8 9. एक मैट्रिक्स है बी विच इज एक्स एक्स प्लस वाई जेड 9. ठीक है, और इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में बता देगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. तो आप आंसर तब कर पाओगे जब इक्वल मैट्रिक्स का मतलब पता होगा. इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? जिनका ऑर्डर सेम हो. तो भाई इसका ऑर्डर क्या है, कितने की है? 2 by 2. और ये भी कितने की है? 2 by 2. ऑर्डर सेम है. और दूसरी बात लिखी हुई है कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी ए 11 दूसरे वाले के बी 11 के इक्वल हो, ए 12 दूसरे वाले के बी 12 के इक्वल हो. ठीक है, यानी इसका पहला एलिमेंट 4 है और उसका पहला एलिमेंट एक्स है. तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी? 4. इसका दूसरा एलिमेंट 6 और इसका दूसरा एलिमेंट एक्स प्लस वाई है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 6. भाई एक्स की वैल्यू 4 लगाओ यहां पर, 4 + y = 6. वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. और जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट पता पड़ रही है, जेड इज इक्वल टू कितना है? 8. इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए जाएंगे. ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स होती क्या है? एक तो उनका ऑर्डर सेम हो और हर एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट के इक्वल हो. हम ये नहीं कर सकते कि 4x + y के इक्वल कर दिया, नहीं, क्योंकि 4 क्या है भाई? 4 a11 है और ये x क्या है? ये b11 है. तो a11 b11 के इक्वल होगा, यानी 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x के. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो और एक क्वेश्चन करके दिखाओ. ये आसान ही है, ये आसान ही है. इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. बस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा. हटाएं इसको. फरान क्लास जा रहे हो? क्या चल रहा है वहां पर? ये कैसी क्लास जा रहे हो तुम? क्यों फरान, सच बताओ, क्लास जा रहे हो? डिपार्टमेंट तो जा ही रहे होगे, क्लास कर रहे हो? तो 2 दिन क्लास करी, सही है. हाँ, एक क्वेश्चन है, चल देखे. इक्विटी पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखे. 1 दूसरा एलिमेंट है एक्स प्लस वाई, 1x + y माइनस 4 और ये है एक्स माइनस वाई. ठीक है, इज इक्वल टू 1 6 - 4 2 1 6 - 4 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब एक बात और सुन लो करने से पहले, यहां उसने आपको बताया नहीं ये मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन साइन लगा हुआ है बीच में, तो इक्वल ही है भाई, है ना. जल्दी एक्स वाई की वैल्यू बताओ. एक्स की 4 आ गई. अच्छा, लग रहा है मैट्रिक्स ही चैप्टर पढ़ा था हमने 12th में, है ना. वाई की कितनी आ रही है? सारे लोगों का आंसर आ गया? अभी बता रहा हूं किसमें. हाँ, पहले हाफ इधर आएगा. कई बार मैंने 3 भी लगाई है क्वेश्चन में. हाँ, एक बार देखो जरा भाई, ये यहां 1 है तो यहां भी कितना चाहिए हमें? 1. यहां -4 है तो यहां भी कितना चाहिए? -4 बचे ये दोनों. एक्स प्लस वाई है और ये 6 है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 6. भाई ये एक्स माइनस वाई है और ये 2 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी? 2.
अब दो इक्वेशन मिलेंगे आपको ऐसे, आपकी मर्जी है, या तो उन्हें ऐड करो या उन्हें माइनस करो। अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूं तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स और एक्स टू एक्स, छह और दो एक्स की वैल्यू चार, एक्स की वैल्यू चार आ गई। अब इसमें रख दो भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू छह, एक्स की वैल्यू चार रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो। बात समझ में आ गई। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड तब यूज करोगे जब दो इक्वेशन बन जाएंगे। क्लियर है? बताओ कोई डाउट वाली बात है? अच्छा लग रहा है, उसमें तुम लेट आए थे वरना वो भी अच्छा लगता, दोबारा करा देंगे लेकिन बहुत टाइम है हमारे पास। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ, एक क्वेश्चन और करके बताओ। हाँ उसका नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए। x माइनस वाई है, x प्लस टू जेड है, x प्लस वाई है और z प्लस थ्री डब्ल्यू है, z प्लस थ्री डब्ल्यू है। देखो थोड़ा संभाल के करना, अच्छा क्वेश्चन है। टू बाई टू की मैट्रिक्स है और ये इक्वल दे रखी है आपको 08415। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z और w। चारों वैल्यू निकाल लिए फिर बताइएगा, उसी मेथड उसी स्टेप से करिए, आंसर आएंगे। फरान कर रहे हो ना? यार चीटिंग कहां से आ रही हैं? हाँ एक्स की टू आ गई, चलो बढ़िया, सारे वैल्यू लगा लिए। फर्स्ट सेमेस्टर है ना आप सबका? अब्दुल्ला आया चाह रहा हूं सर, आ गई चारों वैल्यूज। एक बार जरा चेक करो भाई, x माइनस वाई इक्वल टू कितना रखा? जीरो। x माइनस वाई जीरो के बराबर, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? y। आगे देखो x प्लस वाई कितने के इक्वल होगे? फोर के। x प्लस वाई इक्वल टू फोर। एक्स प्लस भाई y की जगह x यूज कर सकता हूं, x और x टू एक्स इज इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टू। x की वैल्यू टू तो y की वैल्यू भी कितनी? टू। एक काम तो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर भाई, x प्लस टू जेड की वैल्यू कितनी? एट। x प्लस टू जेड की वैल्यू कितनी? आठ। x की वैल्यू कितनी आ गई है? दो। टू जेड की वैल्यू कितनी हो गई? आठ में से दो गया छह। z की वैल्यू कितनी आ गई? तीन। लास्ट पे आ जाओ, z प्लस थ्री डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 15। z की वैल्यू यहां रखोगे 3, 3w इज इक्वल टू 15 में से 3 गया कितना? 12 और w इज इक्वल टू 4। हर एक स्टेप दूसरे वाले स्टेप पे डिपेंडेंट है। अगर आपने x और y सही निकाले हैं तभी z आएगा, और z आ गया तभी w आएगा। क्लियर है ना बात? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए सेम। बुक लाओ, कोई बात नहीं। हटाओ इसको। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और मैट्रिक्स दे रखी है ये जो लिख रहा हूं मैं। थोड़ा सा ध्यान से करना इसको। 2 3y³ एक्स स्क्वायर माइनस 5 और दूसरी मैट्रिक्स है 281 9 - 5। 281 9 - 5। सारे क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं इक्विटी के आज। हाँ इक्विटी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन इक्विटी पे हैं। एक इक्विटी से आता है, एक आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से, एक मल्टीप्लिकेशन से, खत्म। तीन क्वेश्चन आते हैं।
दोनों 3-3 आ रही है, इसमें से भाई तीन ही क्वेश्चन आते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से और इक्विटी से। हाँ वो मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन ही है। एक क्वेश्चन आएगा बड़ा 10 नंबर का, ये तो एक एक दो दो नंबर में ऐसे पूछेगा। मैं वो समय बहुत मेहनत कर रहे होगे तुम, पांच में यार या तो वही पांच पांच के दो आ जाते हैं, या तो आपको मल्टीप्लिकेशन दे दे सादा, इनवर्स वाला देगा तो उसका जरा लंबा तरीका है तो वो 10 नंबर का आता है, लेकिन उसके लिए मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए। जरा देखो भाई, टू यहां है तो यहां भी कितना है, टू यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां नाइन है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, नाइन, एक्स की वैल्यू कितनी, थ्री। यहां आ जाओ, थ्री वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, थ्री वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, y cube is equal to 81 divided by 3 कितना हो गया 27, और y कितना हो गया 3 3 9 9 3 27। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए, टू बाई थ्री के इक्वल ही होगा तभी एक्स वाई जेड पूछेगा। देखो इस बार 2/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, एक्स माइनस टू, थ्री, टू जेड, 18z, वाई प्लस टू और 6z, ठीक है। उधर है वाई जेड और 6, वाई जेड और 6। नेक्स्ट है 6y x और 2y करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। करो करो, स्टेप बाय स्टेप करिए, सारे लोगों के आंसर चाहिए। भाई आए आंसर, सर एक्स की 5 आ गई, एक्स की 11 आ रही है, 5 आ रही है, 11 आ रही है ना, एक्स की वाई 9 आ रहा है, एंजो मान जा रहा है, तीन ही तो निकल ले, ओके 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 ओके, हां जेड 3 वाई 9 और एक्स 11 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक सही मान से, तो 11 आ गई, ये 5 निकल रहा है, अरे नहीं मेरा गलत हो गया, मैं जेड समझ गया, एक्स की तो आ रही 11 और आपके वाई क्या आ रही है ना, आपके और जेड क्या आ रही है, 2y = 6z 2y = 3 18 2y = 18 वाई की 9 आ रही है ना, सभी रो गए, सभी रो, हां फरहान कितना आ रहा है, वाई की 9 आ रही है ना, हां भाई वाई की जेड की आ गई, ठीक है, फिर जेड की आ गई, एक्स 7 और वाई कितना आ रहा है, 9 9 सो एवरीथिंग आंसर आ गया, हाँ आ गया सर, चलो कितना आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है और वाई, देखो एक बार, अब इसको हम जितना जरूरत है उतना ही देखेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट पता पड़ रही है भाई, जेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, अब इसको नहीं लेंगे 2z = 6 क्योंकि अल्टीमेटली जेड इज इक्वल टू कितना आएगा वहां से भी 3। अब देखो 18z किसके बराबर है, 6y के, तो भाई 18z इज इक्वल टू कितना रखोगे 6y, भाई 18 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू y, y की कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब y प्लस 2 को किसके इक्वल रख देंगे, x के,
y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, y की वैल्यू 9 है तो 9 और दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। तो जितना जरूरत है हम उतने ही एलिमेंट को उठाएंगे, हो सकता है आपने कोई कोई और एलिमेंट लिया हो लेकिन आंसर सबका यही आना चाहिए, क्लियर है बात। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और करो इसी पे, कुछ नहीं लगना, कुछ भी नहीं, जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, मैट्रिक्स लिखिए, ए 2a माइनस बी, 3a माइनस सी और 3b माइनस डी, 3b माइनस डी, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है सर, एक बार चेक करो जरा, ए 2a माइनस बी, 3a माइनस सी और 3b माइनस डी, ठीक है, ये इक्वल है 2, 4, 6, 8 के। करिए, हो गया, चेक करो एक बार जरा भाई, सबसे पहले तो ए की वैल्यू डायरेक्ट कितनी 2, ठीक है। अब लेते हैं इसको, 2a माइनस बी बराबर है 4 के, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4, भाई ए की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस बी इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, b कितना हो गया 0, ठीक है। a आ गया, b आ गया, c कहां है जरा सर, 3a माइनस c इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 2 है तो 3 2 जा 6, 6 माइनस सी इज इक्वल टू 6, सी भी कितना 0, इसको देखो 3b माइनस डी इज इक्वल टू 8, 3b माइनस डी इज इक्वल टू 8, ठीक है, b कितना आया गया 0, माइनस डी इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू माइनस 8, क्लियर है बात भाई। यहां पर a 2 आ रहा होगा, b और c 0 आ रहे होंगे और d आ रहा होगा माइनस 8, क्लियर है। अब आप इक्विटी का क्वेश्चन कर लोगे, मोस्टली आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में वो मैंने करा दिया। नेक्स्ट डालिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अभी टाइम ही हो जाएगा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, नंबर फर्स्ट ऑपरेशन लिखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वैसे ये दो हैं, एडिशन अलग है सब्ट्रैक्शन अलग है, लेकिन एक ही रूल है इसलिए एक ही एडिशन डाल दीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस, ऑन मैट्रिसेस। एक लाइन लिखिए, फिर एग्जांपल देता हूं, बोलूं, देखिए, इफ वी वॉन्ट टू एड, इफ वी वॉन्ट टू एड, इफ वी वॉन्ट टू एड और सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इफ वी वॉन्ट टू एड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन देन ए आई जे, ए आई जे इज सिंपली एड विद बी आई जे, ए आई जे इज सिंपली एड विद बी आई जे और ए आई जे इज सिंपली सब्ट्रैक्टेड, सॉरी ये वाली लाइन काट दी, और के बाद ये लगो, और बी आई जे, बी आई जे is simply subtracted from aij,
और ये दोनों बात लिख लीजिएगा इसके नीचे, ए आई जे प्लस बी आई जे और ए आई जे माइनस बी आई जे। ठीक है, सिर्फ देखने में अजीब सा लग रहा है बहुत आसान, अभी बताता हूं। किसके आगे हो तो गया भाई, हाँ स्टार बना करके एक पॉइंट और लिखिए, स्टार बना करके एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए टू मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, टू मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, टू मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, टू मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सबसे पहले वो स्टार वाली बात समझ लो, जैसे मैंने आपको दो मैट्रिक्स दी, एक दिया मैंने ए 1 2 3 4 और एक मैंने दी आपको बी मैट्रिक्स, इसको मैंने दिया आपको 1 2 3 4 5 6 और मैंने आपसे पूछा कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप इसका आंसर दोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमें पता नहीं क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, वहां आपको लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो अगर हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो ना ही ऐड हो सकती है और ना ही सब्ट्रैक्ट। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का चाहिए तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, जबकि ये रूल मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है भाई, मैट्रिक्स में जब आप एड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स के ऑर्डर कोई फर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तब बात करेंगे, अभी इसको दिखा दे रहा हूं। देखो, लेट अस सपोज दैट मैंने आपको दो मैट्रिक्स दी, ए, एक है 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है बी, दैट इज -1 3 -3 4 -5 और 6। एक बात अच्छे से समझ लेना, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो सबसे पहले तो एक बात ये समझिए, इसका ऑर्डर कितना है भाई 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, जो भी आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा 2/3। पहली बात, हम बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है एडिशन कैसे होगा, वो आप सबको पहले ही आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि जब दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड हो रही है, अगर डिफरेंट ऑर्डर है तो ऐड ही नहीं हो सकती, लेकिन अगर सेम ऑर्डर है और वो ऐड हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, वही ऑर्डर होगा जो उन दोनों का ऑर्डर है। बात समझ रहे हो? अब ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए वाला रूल, ए आई जे प्लस बी आई जे, अगर आपको पहला वाला एलिमेंट ले रहे हो तो उसका भी कौन सा वाला लोगे, पहला वाला एलिमेंट। ठीक है भाई, वन किसके साथ ऐड होगा, माइनस वन के साथ, वन और माइनस वन, टू किसके साथ ऐड होगा, तीन और दो, तीन और माइनस तीन, चार और चार, पांच और माइनस पांच, छह माइनस छह प्लस छह, 12। तो ये आंसर आ गया ए प्लस बी का, इसका ऑर्डर यही है। अगर मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, इसको और समझ लो, तो भाई जो भी आंसर आएगा लेकिन ऑर्डर क्या रहने वाला है 2/3। माइनस कर देते हर एलिमेंट से, वही वाला एलिमेंट माइनस होगा। आप ध्यान देना, माइनस वाले में बच्चे अक्सर गलत कर सकते हैं, वन माइनस और ये खुद भी माइनस वन है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वन प्लस वन, कितना हो गया 2। भाई दो में से तीन गया माइनस वन, तीन माइनस माइनस तीन कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 4, 5 माइनस माइनस 5, 6 माइनस 6, क्लियर है बात? ये ए प्लस बी का आंसर, ये ए माइनस बी का आंसर। हाँ सर, क्या माइनस 10? सर 5 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 5, क्लियर है बात? तो आपको लॉजिक सिर्फ इतना है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है बचपन में, ये सिखाया जाता है हम लोगों को, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर ऑर्डर जो भी होगा वो ऑर्डर नहीं बदलने वाला, आंसर भी हमारी एक मैट्रिक्स आएगी सेम ऑर्डर की, और प्लस माइनस कैसे करोगे, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ, अगर ए वन वन लिया है तो उधर भी आपको बी वन वन उठाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये वाला वन तीन के साथ जोड़ दिया, ये नहीं होगा। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन लिखिए, नहीं होमवर्क नहीं है,
पहले बताइए ये मैट्रिक्स क्या ऐड हो सकती है दोनों? यस सर। बताइए आंसर कितना है? और ऐड हो सकती है क्योंकि ऑर्डर सेम है, और हो सकती है तो आंसर क्या आएगा? चेक करो एक बार। सबसे पहली बात तो भाई ये 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। आंसर भी किसमें आएगा? 2/2 में। पहली बात सर, ए ऐड हुआ माइनस ए के साथ, आंसर इज जीरो। बी ऐड हुआ सी के साथ, आंसर इज बी प्लस सी। माइनस सी ऐड हुआ बी के साथ, तो या तो माइनस बी प्लस बी लिख दो, माइनस सी प्लस बी लिख दो, या फिर बी माइनस सी लिख दो। माइनस डी ऐड हुआ माइनस डी के साथ, ये आ रहा है आप लोगों का? क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। बताइए एक आपका होमवर्क है। फोर फाइव वन वन, फोर फाइव वन वन, फाइव माइनस वन फोर, तीन और दो पांच, एक और जीरो एक, माइनस दो और प्लस तीन। क्लियर है बात? एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क क्या कर लाना है, लिखिए फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दो चीजें आपको बतानी है। ए प्लस बी कितना होगा और ए माइनस बी कितना होगा? मैट्रिक्स लिख के ले जाइए। टू वन माइनस वन, वन थ्री जीरो, जीरो फोर टू, फाइव टू वन। कितने की मैट्रिक्स है? फोर बाई फाइव, फोर बाई थ्री की। चार रो है और तीन कॉलम है ना? दो आंसर आएंगे, एक ए प्लस बी ऐसी मैट्रिक्स आएगी, एक ए माइनस बी ऐसी मैट्रिक्स आएगी। कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? बस काफी है। कल सैटरडे है ना? क्लास है कल, क्लास है। हाँ क्या? हाँ टाइम मैं बता दूंगा आपको। जुम्मे बाद आ जाइए आराम से, आ सकते हैं ना जुम्मे बाद या जुम्मे से पहले? देखो मैं जुम्मे से पहले भी ले सकता हूँ। एक मिनट बैठो, बैठो बैठो, बैठिए पहले, बैठ जाइए।